तो आज सुबह उठा, सुबह उठने के बाद हाथ मुँह धो के अभी पिकिंग के लिए निकलेंगे, बिकॉज टुडे इज़ ए वेरी स्पेशल डे फॉर अस। ठीक है, तो बिकॉज ये क्यों स्पेशल होने वाला इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीक्षित संडिल्य, सारे पिकर्स की फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू एग्जिस्ट। तो खुश रहो, लंबी उम्र हो आपकी, तो खूब मचाओ जिंदगी में, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट तो खुश रहो यार, बिकॉज लाइफ में वही है ना, खुश रहना मांगता है यार। क्या है लाइफ में, दो चार दिन जिंदगी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये बंदा सुबह उठा, तो सुबह उठ के मतलब पिकिंग में अभी तक गया है ना, तो उसके बाद दीक्षित संडिल्य को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। तो हु इज़ दीक्षित संडिल्य? तो अगर आप लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है तो चलो मैं बता ही दूँ। तो दीक्षित संडिल्य इज ग्रेटेस्ट सोल। आई थिंक कि अगर सब लोग ऐसे सोच के होते, ठीक है, हम लोग का पर्सन मैटर नहीं करता, पर्सन की सोच मैटर करती है। तो दीक्षित संडिल्य को मैं ग्रेट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उनकी और उनकी फैमिली की सोच की वजह से। तो उनकी फैमिली ने सोचा कि पिकर्स में रोज़ वो लोग देखते हैं कि मतलब वो लोग, उनके पापा ने बोला कि हम लोग का ब्लॉग वगैरह रोज़ देखते हैं, तो वो लोग ने सोचा कि आज जितना भी खर्चा होगा पिकिंग में, ठीक है, सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लोव्स लगता हम लोग को, गार्बेज बैग्स लगते हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगे वो लोग उठाएंगे, वो लोग जितना भी खर्चा होगा वो लोग उठाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो थैंक यू दीक्षिता, थैंक यू टू योर फैमिली, है ना। और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग एग्जिस्ट करते हो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हम लोग को जोरदार से चाहिए भी था यार, बिकॉज पार वीक क्या होता है कि हम लोग का पार वीक में देखेंगे तो एक पूरा का पूरा पैकेट ग्लोव्स लग जाता है। तो एक पैकेट ग्लोव्स का दाम मतलब कॉस्ट हम लोग का आता है अराउंड 600 से 700 रुपीज़, ठीक है, फ्रैक्चर करते जाता है इधर उधर। और उसके बाद गार्बेज बैग लगता है, गार्बेज बैग से एक बैग का कॉस्ट है 15-20 रुपीज़ अराउंड, ठीक है। तो लगभग 15 से 20 गार्बेज बैग लगते हैं हम लोग का। तो एक बैग का अगर मैं 20 रुपये पकड़ूँ तो उसके बाद भी हम लोग का 400 रुपीज़ होता है। तो अगर मैं ग्लोव्स का 600 रुपीज़ पकड़ूँ तो भी हम लोग क्या होता है 1000 रुपीज़ अराउंड आता है। तो पर वीक 1000 तो हम लोग का खर्चा हो ही रहा है। तो पर महीना हम लोग ऐसे ही काउंट करेंगे तो 4 से 5 हज़ार तक हम लोग का कॉस्ट आ जाता है। तो 4 से 5 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना तो हम लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है हम लोग के लिए। तो फिर भी अभयता, हम लोग का जो अभयता आती है ना, तो ट्रेजरर जो है वो बिना करे चूँ, है ना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कभी भी हम लोग का पिकर्स फैमिली कुछ भी पैसे का, पैसा के प्रॉब्लम हो, तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू स्टेप अहेड एंड से मैं हूँ ना। ठीक है, जैसे शाहरुख खान बोलता है ना कि देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, तो अभी तो शाहरुख खान पर, ठीक है, तो वो भी बोलते हैं कि ना मैं हूँ ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल करो। ठीक है, तो वी आर सो ग्रेटफुल यार, वी आर सो ग्रेटफुल दैट पीपुल लाइक हिम एग्जिस्ट एंड पीपुल लाइक दीक्षिता पेरेंट्स एग्जिस्ट, पीपुल लाइक दीक्षिता एग्जिस्ट। तो ऐसा अगर सब लोग हो जाएंगे, देखो क्या करना है कि आप लोग भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप पार डे में एक महीने में 30 दिन होता है, तो आप लोग पार महीना 30 रुपये अगर आप लोग डोनेट करो किसी चीज़ में, यार प्लास्टिक पिकर्स में नहीं बोल रहा हूँ यार, किसी चीज़ में या मतलब डोनेट करो, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ना, हम लोग की हेल्प होगी, जो लोग हेल्प सीख कर रहे हैं वो लोग हेल्प होगी। अगर हम लोग पर मंथ भी नहीं करना चाहते, पर मंथ आप लोग को डोनेशन नहीं करना है, पर डे पे आप लोग 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये सेविंग करो तो कितना होगा आप लोग का, 10 रुपये सेविंग करने से 3650 रुपीज़ होगा पर ईयर, ठीक है। उस 3650 से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी बच्चे की एडमिशन करा सकते हो, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसके एडमिशन करा दो, या फिर बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पा रहे, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा छोटा से छोटा चीज़ भी करके देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा यार। बर्थडे में आप लोग बड़े बड़े केक काटते हो, है ना, ये करते हो वो करते हो, ठीक है करो यार, उससे आप लोग खुशी मिल रही तो करो, बट खुशी उसी दिन समाप्त हो जाती है ना, एक दिन की खुशी मिलती है। पर अगर आप लोग इस डोनेशन वगैरह करोगे, आप सपोज देखो कि आप लोगों ने एक बच्चे का एडमिशन कराया है, ठीक है, वो बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, जब भी उस बच्चे को देखोगे ना खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो आप लोग एक दिन के काम से पूरे साल खुश हो सकते हो, या फिर आप लोग पूरे साल एक दिन उस खुश रहने के लिए आप लोग इंतजार करोगे, कौन सा बेटर प्रिफर करोगे, ये आप लोग की चॉइस है ना। बिकॉज हम लोग बर्थडे के दिन बड़ा बड़ा केक काटते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके बाद बड़े फ्रेंड्स को बुलाया हम लोग ने, तो उस बर्थडे के लिए हम लोग एक साल वेट करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरा बर्थडे आए फिर से हम लोग हैप्पी हो,
ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हो ना, एक बर्थडे में आप लोग इन्वेस्ट करो थोड़ा सा और पूरा का पूरा साल खुश रहो। इन्वेस्ट मतलब क्या है कि एक बच्चे के ऊपर कर रहे हो ना या फिर सोसाइटी के ऊपर कर रहे हो ना, ठीक है, उसी से तो खुशी मिलती है, अपने काम से खुशी मिलती है। अगर आप लोगों को केक काटने से खुशी मिल रही है तो काटो यार, ठीक है, उसमें मैं नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार सोच के देखो यार, आप लोग एक दिन खुश रहना है कि पूरा साल खुश रहना है, ठीक है। हम लोग कर क्यों रहे, ठीक है, बिकॉज वही ना, सोसाइटी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, है ना, लोगों की सोच थोड़ी सी अपग्रेड हो जाए, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, इंसान मायने नहीं रखता, इंसान की सोच मायने रखती है, ठीक है। तो वही आप ट्राई करो कि आप लोग भी वही से अच्छे से सोचें, है ना, अच्छे से काम करें, है ना, तो खूब सारे पैसे छापो, खूब सारे पैसे छापो, पर उस पैसा के ना 10% एटलीस्ट 1-10% आप लोग थोड़े से यार सोसाइटी के लिए दे दो यार, बिकॉज आप लोग क्या हो, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, है ना। तो आप लोग सोसाइटी से आप लोगों ने इतना चीज ले लिया, ज्ञान ले लिया, है ना, एनवायरमेंट से रोज आप लोग हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा दे दो यार सोसाइटी को, थोड़ा सा दे दो एनवायरमेंट को, है ना, इतना ही तो चाहिए हम लोग को लाइफ में। तो देख लो, छोटा से छोटा स्टेप करो यार, छोटा से छोटा स्टेप करो, देख लो कितना चेंज आएगा यार दुनिया में, कितना चेंज आएगा। उसके बाद ना आप लोग खुद मतलब गर्व से ना आप लोग फूल जाओगे, एकदम गारंटी बोल सकता हूँ यार। मैंने अभी तक कुछ लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है यार, 25 साल का हो गया, कुछ नहीं उखाड़ा है, फिर मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि आई एम द सेक्रेटरी ऑफ प्लास्टिक फिगर्स, इसी में गर्व है यार। मैंने अभी तक कुछ लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है यार, 25 साल का हो गया, कुछ नहीं उखाड़ा, फिर मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि आई एम द सेक्रेटरी ऑफ प्लास्टिक फिगर्स, इसी में गर्व है यार। पता नहीं मतलब लोग क्या बोलते, क्या ही उखाड़ा प्लास्टिक फिगिंग करके, क्या ही उखाड़ा, क्या साफ कर दिया क्या, पता नहीं यार, प्रोसेस है। What is happiness? मेरे लिए happiness मतलब गोल नहीं है, रास्ता जो है ना, happiness is the successive realization of worthy goal, मेरे लिए वही है। मुझे गोल मैटर नहीं करता, ठीक है, गोल का जो रास्ता है ना वो मैटर करता है, अब मैं रास्ते में हूँ, ठीक है, तो वही मेरे लिए मायने रखता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ 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 इस बात को थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सी इस बात को गहराई से सोचे, तो हो सके तो प्लीज़ try to make the society better, try to maintain the environment clean or green, ठीक है, ताकि जो हम लोग के बाद आप बच्चे लोग आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन होगा, वो लोग हम लोग को मतलब क्या करेंगे, मतलब ऐसा ना बोले कि कैसा इन्वायरमेंट छोड़ दिया हम लोग को, कैसा सोसाइटी छोड़ दिया हम लोग, ठीक है। तो देख लो आप लोग खुद महसूस कर रहे हो, ठीक है, तापमान देखो, टेम्परेचर को देख लो, आगे हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि 10 साल आगे हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि दिल्ली में टेम्परेचर 39 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, हो गया है, तो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। अभी तो हम लोग गर्म में तो 39-40 से नॉर्मल है आसाम में, वहाँ पे तो क्या हालत होगा। तो सब कुछ चेंज हो रहा है, बस 10-20 साल के ये ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि 50-60 साल के हम लोग ड्यूरेशन में देखेंगे तो क्या होगा दुनिया, ठीक है ना। तो प्लीज़ 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 इस बात को ख्याल सोचो, है ना, और आप लोग डोनेशन नहीं दे पा रहे हो फिर तो भी मतलब अगर आप लोग हम लोग को ट्रस्ट नहीं करते, प्लास्टिक कर ट्रस्ट नहीं करते कि ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो खुद से करो यार, खुद से करो, खुद निकलो, साल में एक बार निकलो, बर्थडे के दिन में निकलो, 2-4 लोगों को खिला दो, या एक बच्चे को एडमिशन करा दो, या किसी 2-4 बंदे के घर में इलेक्ट्रिसिटी पे कर दो, या कुछ भी है, जो भी दिखे आप लोगों को, जो भी दिखे, जो कि हेल्प आप लोग से मांग रहे, विनती कर रहे, वो लोग हेल्प कर दो यार,